ये बोलने वाले अभी क्यों सोकर उठे हैं, इतने सालों से क्यों नहीं उठे, ठीक है, या उनको एजुकेशन नहीं है, वो उनको दिमाग नहीं है, उन्होंने उनके माँ बाप ने उनको कभी पढ़ाया नहीं होगा, इसलिए ये वंचित है इस सब राम से, रामचरितमानस से या हमारे जो संस्कृति पुराणों से। आज वो सब खत्म हो जाएगा जिस दिन राम जी अपने घर पधारेंगे, तो ये जितने बेतुके बोल हैं ये सब बंद हो जाएंगे। मतलब बोलने वाले बहुत सारी बातें करते हैं, विरोधी बोले या कोई भी बोले, हमारे पड़ोसी भी बोलते हैं, अगर हमारे घर का पेंट थोड़ा सा भी खराब हुआ तो 100 बार हमें बोलेंगे। वैसे ही हमारा राम मंदिर का मसला है, इतने साल से हम लड़ाई करके आज हम कहीं कि हमारी जीत पूरी हो गई है, हम राम जी को अपने घर ला रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। जितने बेतुके ये शब्द है बोलने वाले हैं, इनको एक जगह रखिए और 22 तारीख को हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और हम ये इंतजार हमारे जितना बहुत ये है, राम भक्त है जिसने शहीद हुए बाबा वो दिया प्रतिज्ञा लिया था, कोई प्रतिज्ञा लिया जे राम मंदिर बनना चाहिए, राम प्रतिष्ठा होना चाहिए, हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, हम पादुका नहीं पाएंगे, चप्पल नहीं पाएंगे, तो बस कोई कोई इधर सारे ने प्राण लिए, ठान लिए जी हाँ हम ये करेंगे, राम मंदिर प्रतिष्ठा करके रहेंगे। देखो जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने कितने ऐसे यज्ञ किए कि जहाँ उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई है, कितनी दिक्कतें आई है, लेकिन फिर भी राम जी के यज्ञ सक्सेस हुए। और आज इस अवध नगरी में हम हैं, वहाँ पे हमारे राम जी का इंतजार जो 500 साल से हम कर रहे थे, समाज हमारा किन्नर समाज, आज वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। नमस्कार, अभी हम अयोध्या में खड़े हैं और जो आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं 1008 यज्ञीय महाकुंड, जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी ये विश्व का सबसे बड़ा महायज्ञ कुंड है, जो कि राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में किया जा रहा है। स्वामी राम भद्राचार्य के नेतृत्व में ये अनुष्ठान किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, ये 1008 यज्ञ महाकुंड की वो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से पूरे अयोध्या में राम लला के आने के उत्सव को लेकर तेजी के साथ महोत्सव की तैयारी की जा रही है और इस भव्य महाकुंड का आयोजन किया गया है। स्वामी राम भद्राचार्य तमाम सहित उनके तमाम जो सेवक हैं और जो भक्त हैं, तमाम यज्ञ सम्राट शामिल होंगे और 1008 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। एक बार तस्वीर में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको केवल केवल यज्ञ कुंड दिखाई देगा, और अगर अंदर की तस्वीर दिखाएं तो तकरीबन 1 साल से अधिक इस यज्ञ कुंड को बनाने में समय लग गया है और 1 साल से ये लगातार बनाया जा रहा है और ये विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड है और ये बड़ा अनुष्ठान है जिसमें पूरे देश और प्रदेश से ऋषि आएंगे और यज्ञ आएंगे। तस्वीरें देखिए, अयोध्या में रामलला के आने का उत्सव तेजी के साथ मनाया जा रहा है और कोने कोने से लोग यहां पर आ रहे हैं। तमाम देखिए, कुछ लोग और हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। महाराज जी ये बताइए कि आप लोग, एक मिनट थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, जो 1008 कुंडी महायज्ञ हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप, रामलला के यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए, क्या कहेंगे जो ये अवसर आया है? ओम नमो नारायण जी, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, मैं पूनम नंदगिरी जी, वामदेव गिरि मुनि महाराज के चेले हूँ, शिष्य हूँ और जूना अखाड़ा से हूँ। हम पंजाब तो आए। अच्छा, पंजाब? हाँ, पंजाब से ज्वाला जी अखंड जोत लेके आए, हरिगिरि महाराज जी हुक्म दिया है, इसीलिए हमारे महामंडलेश्वर वामदेव गिरि जी, हमारे गुरु जी भी आए हैं। अच्छा। ये जो यज्ञशाला हुए आहो अति सुंदर, बहुत सारे यहाँ पे याद करते हुए हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं, और सभी राम भक्त को बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 22 तारीख को अपने घर घर में, नहीं यहाँ पर पहुँच पाए, घर घर में लाइव देख के राम कथा करिए, राम भजन करिए, भोजन कराइए, हवन कराइए घर में, और दीप जगाइए, दीप जला के दिवाली से भी बड़ा उत्सव मनाएंगे। 500 वर्षों का हम लोगों का इंतजार खत्म हुआ, आज 22 तारीख को नियुक्त कर दिया गया, तारीख रख दी गई कि प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज पूरे अयोध्या में हर्षोल्लास है, पूरे देश में, क्या कहेंगे इसको लेकर जो इंतजार खत्म हुआ हम लोगों का? ये इंतजार हमारे जितना बहुत ये है, राम भक्त है जिसने शहीद हुए बाबा वो दिया प्रतिज्ञा लिया था, कोई प्रतिज्ञा लिया जे राम मंदिर बनना चाहिए, राम प्रतिष्ठा होना चाहिए, हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, हम पादुका नहीं पाएंगे, चप्पल नहीं पाएंगे, तो बस था कोई कोई इधर सारे ने प्राण लिए, ठान लिए जी हाँ हम ये करेंगे, राम मंदिर प्रतिष्ठा करके रहेंगे, और जिन्हें जिन्हें भी किया, जो साधु संत इसके लिए किया उनके लिए धन्यवाद। महाराज जी, ये उत्सव का जो वर्ष आया है, ये हर्षोल्लास का जो समय आया है, 500 वर्षों का इंतजार आज खत्म हुआ है, आप लोग बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े पूजनीय गुरु जी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हर्षोल्लास को लेकर और श्री रामचंद्र जी के? जय सिया राम, जय श्री महाकाल। मैं हूँ माँ पवित्र नंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा, उज्जैन से आई हूँ मैं, मेरा पीठ उज्जैन है जी। सिर्फ मैं अकेली खुश नहीं हूँ, यहाँ पे हमारा पूरा विश्व खुश है,
हर एक राम भक्त के हृदय में राम जी हैं। और आज हम जिस जगह खड़े हैं यज्ञशाला में, देखो जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने कितने ऐसे यज्ञ किए कि जहाँ उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई है, कितनी दिक्कतें आई है, लेकिन फिर भी राम जी के यज्ञ सक्सेस हुए। और आज इस अवध नगरी में हम हैं, वहाँ पे हमारे राम जी का इंतज़ार जो 500 साल से हम कर रहे थे, समाज हमारा किन्नर समाज, आज वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस सरकार का कि उन्होंने ये राम राज्य हमें दिखाया है, इस जनरेशन को। आने वाली जनरेशन पूरी सनातनी और राम राज्य के साथ चलेगी, लेकिन जो विश्व का ऐतिहासिक दिन है वो 22 तारीख है, राम प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक मतलब शब्द नहीं है, लेकिन हमारे लिए दिवाली है। जैसे हम लोग हर खुशी इतने उल्लास से और जोश से मनाते हैं, तो ये 22 तारीख का जो पर्व है ये भी अभी आने वाले युगों में ये पर्व बनेगा और हमारे लिए एक त्यौहार बनेगा। कार्य सेवकों के बलिदान की वजह से आज ये दिन हम लोगों को देखने को मिला है। कई कार्य सेवकों सरयू लाल हो गई, नदियाँ पूरी लाल हो गई, उन कार्य सेवकों के बलिदान के लिए क्या कहेंगे जो शहीद हुए रामलला के इस मंदिर के लिए? उनका बलिदान था वो बहुत अभी आपको दिख रहा है कि उनका बलिदान कितना बड़ा था। जैसे हमारी सरहदों पे हमारी फौजी होते हैं, उनका बलिदान से हमारी सुरक्षा होते हैं, लेकिन आज उनके बलिदान से कहीं ना कहीं राम राज्य की शुरुआत हुई है। हम द्वापर युग, अभी कलियुग, अभी हम त्रेता युग समझ के चल रहे हैं, और जो ये राम जी का जो अवध नगरी है ये पूरी तरह सज रहा है उनके आगमन के लिए। कुछ लोग महाराज जी कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो पत्थर में करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि यह दुनिया इतनी आगे निकल गई है और आज भी पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाती है, उनके लिए क्या कहेंगे? ये हिंदू सनातनी हमारा विश्व है, हमारा देश है, यहाँ पे जितने भगवान को पूछे जाते हैं उनके नाम से लगाया हुआ सिंदूर एक पत्थर को भी हम उतना ही पूछते हैं जितनी श्रद्धा हमारे भगवान में होती है। और जो बोलने वाले बहुत सारी बातें करते हैं, विरोधी बोले या कोई भी बोले, हमारे पड़ोसी भी बोलते हैं, अगर हमारे घर का पेंट थोड़ा सा भी खराब हुआ तो 100 बार हमें बोलेंगे। वैसे ही हमारा राम मंदिर का मसला है, इतने साल से हम लड़ाई करके आज हम कहीं ना कहीं हमारी जीत पूरी हो गई है, हम राम जी को अपने घर ला रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। जितने बेतुके ये शब्द है बोलने वाले हैं, इनको एक जगह रखिए और 22 तारीख को हम प्राण करेंगे और हम राम राज्य चलाएंगे। और जो ये भगवान राम को अकल्पनीय बताते हैं कि इनका कोई साक्ष्य नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि ये समाज में कहीं ना कहीं एक कैंसर के रूप में ये बोलने वाले अभी क्यों सोकर उठे हैं, इतने सालों से क्यों नहीं उठे, ठीक है? या उनको एजुकेशन नहीं है, वो उनको दिमाग नहीं है, उन्होंने उनके माँ बाप ने उनको कभी पढ़ाया नहीं होगा, इसीलिए ये वंचित है इस सब राम से, रामचरितमानस से या हमारे जो संस्कृति पुराणों से। आज वो सब खत्म हो जाएगा जिस दिन राम जी अपने घर पधारेंगे, तो ये जितने बेतुके बोल हैं ये सब बंद हो जाएंगे। मतलब एक बार फिर से 22 जनवरी को दीपोत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो बेटा। ये देखिए तस्वीरें देख लीजिए एक बार, वही 1008 यज्ञ महाकुंड जो अयोध्या में होने वाला है और जिसकी चर्चा पूरी तेजी के साथ हो रही है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।